हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लिगामेंट के पेशेंट इंडिया के लगभग लगभग हर कोने से आ रहे हैं और यहां पे सही होके जा रहे हैं। यहां के इलाज की खास बात ये है कि अस्पताल में जो इलाज है वो सरकारी रेट से भी कम में हो रहा है, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है और 100% सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। आज मेरे साथ दो फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं, आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम देशराज सिंह है। देशराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं MP मुरैना से हूँ। कैसे आपके लिगामेंट की चोट लग गई थी? मैं फिसल के गिर गया था। कितने दिन पुरानी बात है ये? तकरीबन ये हो गया 1.5 महीना करीब। आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? मेरा पैर एक तो खाली था, सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं पा रहा था, रनिंग नहीं कर पा रहा था। आपने वहीं आसपास में डॉक्टर्स को दिखाया था? हाँ बिल्कुल दिखाया था, मैंने ग्वालियर में दिखाया था। तो क्या राय आपको मिल रही थी? यहाँ की राय में वहाँ की राय में काफ़ी डिफरेंस है। और रेट में कितना अंतर? रेट में तो तकरीबन 50%। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि एक जगह 2 लाख रुपए मांग रहे हैं और डॉक्टर साहब 70-80 हज़ार रुपये ले रहे हैं तो कहीं चाइनीज सामान तो नहीं लगा देंगे मेरे? नहीं, मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया था पहले, तो मुझे सभी जगह से संतुष्टि हुई थी, तभी मैं यहाँ पर आया था। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? ऑपरेशन में तो दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी। नहीं, पता ही नहीं चला ऑपरेशन कैसे हो गया। आप ये मानते हो कि यहाँ पे अगर कोई आदमी है भिंड मुरैना का देख रहा है इस वीडियो को तो यहाँ पे आ सकता है लिगामेंट के लिए? बिल्कुल आइए, और जो काम यहाँ पर होता है वो हमारे ग्वालियर में नहीं हो पाएगा, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पर खुद पर आकर अपना एक्सपीरियंस लिया है। सेटिस्फाइड हो आप? यहाँ पे आपने कहाँ कहाँ के पेशेंट देखे? यहाँ बांग्लादेश से हैं, वो काफ़ी दूर से हैं, एक गुजरात से भी आए थे वो भी देखे थे, एक बिहार से भी है, मेरे बगल में ही है वो भी। सभी लोगों का रिव्यू पॉजिटिव आ रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। आप बताइए भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम सैफुल आलम। सैफुल आलम, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम बांग्लादेश से आए। क्या दिक्कत हुआ था आप जिसके लिए आप आए थे? हम पहला 5 महीना पहला हम बाइक एक्सीडेंट में हमारा लिगामेंट टूट गया था। उसी टाइम हम हमारा मुल्क में डॉक्टर 2-3 दिखाया, वो लोग बताया लिगामेंट टूट गया। आप वहीं पर बांग्लादेश में इलाज क्यों नहीं करवा रहे थे? हम बांग्लादेश में इलाज नहीं किया, हम उधर से थोड़ा खौफ था जो दर्द के लिए, और सेटिस्फाई नहीं मिला हमको उधर। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? आपको बारे में हमको पता चला, हमारा एक दोस्त ने बताया था, उसको भी ACL ख़राब था, वो इधर आके सही करके गया, वो अभी अलहम्दुलिल्लाह सही है अभी। कोई और लोग हैं जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे आ सकते हैं? ऑब्वियसली बोलेंगे हम इधर आएगा, क्योंकि इधर हम आके जो ऑपरेशन किया आपने हमको, अभी तक हमको ऑपरेशन किया इतना महसूस नहीं हो रहा है। आपको पता ही नहीं चल रहा कि कोई ऑपरेशन भी हुआ है? अभी तक पता नहीं चल रहा है, नेक्स्ट टाइम पता नहीं है। कोई और लोग हैं, मतलब आपका ऑपरेशन हुआ तो है ना वास्तव में? अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आपको टीवी में मैंने दिखाया तो था ऑपरेशन होता हुआ, देखा है हमको, लेकिन इतना देखा है हमको, ये हम और शायद और कभी नहीं मिलेगा ऐसा हमारा। आप खुश हो यहाँ पे आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और दर्द यहाँ पे इतना, क्योंकि ऑपरेशन 20-25 मिनट में ही हो जाता है तो ज़्यादा दर्द नहीं होता, जबकि कई जगह मैंने सुना है 2-2, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं मेनिस्कस और ACL के अंदर। लेकिन यहाँ पे टीम एक्सपर्ट है, रोज़ 5-7 ऑपरेशन होते रहते हैं, तो आप सोचो जो कोई रोज़ ये काम करता है तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, और साथ में चार्जेस भी कम है और माहौल भी जैसा इन लोगों ने बताया अच्छा रहता है। अगर आप लोगों को भी ACL लिगामेंट की दिक्कत है या बार बार कंधा उतरता है या फिर हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ इलाज कराऊँ, या कोई टेक्नोलॉजिकली आपको सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन सी टेक्निक होगी या क्या सामान लगेगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करना और हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।